तो वह पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व आद्य भरे हुए कक्षक व पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं तो अपने पावली का नियम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम एन प्लस एल का नियम उसके बाद में चौथा नियम आता है आप वो सिद्धांत का व वह पूरित कक्षकों का स्थायित्व यानी कि आधे भरे हुए कक्षक व पूर्ण भरे हुए कक्ष अधिक स्थायी होते हैं यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल आधे भरे हुए व पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं यानी कि ऐसे उपकोष के कक्षक जो आधे भरे हुए हो हों और या फिर पूर्ण भरे हुए हो, हों वो अधिक स्थायी होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल का अर्थ क्या हुआ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल का अर्थ हो गया आधे भरे हुए कक्षक का मतलब जैसे मान लो एस पी डी एफ जी ये उपकोष होते हैं एस पी डी एफ जी उस ये क्या होते हैं सब सेल होते हैं उपकोष होते हैं एस में केवल एक ऑर्बिटल होता है पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें क्रमशः पी एक्स पी वाई और पी जेड बोल देते हैं आगे पीछे लिखने में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता डी पाँच होते हैं जिन्हें क्रमशः डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्र वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर इनको भी अपने इस प्रकार से लिखा जा सकता है और ऐप होते हैं तो ऐप होते हैं वो सात होते हैं ऐप हैं वो सात हैं कौन कौन से ये अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं इसी प्रकार से जी होते हैं जी नो होते हैं जी कितने होते हैं नो होते हैं ऐसे एक P3, तीन में पाँच कक्षक हैं F उपकोष में सात कक्षक हैं और G उपकोष में नौ कक्षक यानी कि जो ये बनाई है खाने ये तो क्या है कक्षक हैं ये कक्षक हैं ये कक्षक 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 यानी ऑर्बिटल। और ये पूरा है ये उपकोष है ये पूरा क्या है उपकोष है ये तो उपकोष है तो डी उपकोष में पांच कक्षक हैं इसी प्रकार से बोलो एफ उपकोष में कितने कक्षक हैं सात जी में बताओ भी कितने कक्षक हैं बोलो जी में जी में कक्षक हैं नौ तो इस प्रकार से कक्षकों की संख्या इस प्रकार से होती है कि जी में नौ कक्षक हैं एफ में सात कक्षक हैं डी में अभी ऐसा है अब देखो ये क्या कहता है अर्धपूरित कक्षक अर्ध पुरित कक्ष का मतलब आधा भरा हुआ उपकोष है अर्धपूरित कक्ष का अर्थ है आधा भरा हुआ उपकोष है और आधा भरा हुआ और पूर्ण भरा हुआ ज्यादा स्थायी होते हैं यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल आधे बने हुए कक्षक पूर्ण बरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं तो एस आधा पर जाएगा यदि एस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया पी आधा पर जाएगा यदि पी में छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तीन आ गए तो ये भी आधा पर आए डी आधा भर जाएगा यदि इसमें पांच आ गए एफ आधा भर जाएगा यदि इसमें सात इलेक्ट्रॉन आ गए और जी आता पर जाई गए यदि इसमें नौ इलेक्ट्रॉन आ गए तो जी में तो अभी तक इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे तो जी को तो छोड़ो एस में यदि एक इलेक्ट्रॉन है पी में तीन है डी में पांच है एफ में सात है तो इनको कहेंगे अर्धपूरित कक्षक पूरित कब होता है पूरा भर गया पूरा भरने का अर्थ है एस में अधिकतम दो आ सकते हैं ये पूरित हो गया पी में अधिकतम है छः आ सकते हैं ये क्या हो गया पूर्णपूरित हो गया और डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं दस आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐट नाइन टेन डी में अधिकतम दस आ सकते हैं और एफ में अधिकतम चौदह आ सकते हैं और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ए इस प्रकार से यह क्या है पूर्णपूरित है फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ये यानी कि पूर्णपूरित कक्षक है तो आद्य बरेवे कक्षक और पूरे बरेवे कक्षक क्या होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फ़ील्ड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्थाई है जी को मिटो देता हूं क्योंकि जी अपने ज़्यादा काम में नहीं आता एस पूरा गया यदि इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे गए पी पूरा भरा गया यदि इसमें छ आ गए डी पूरा भरा गया यदि इसमें ये, ये मान लो पी है ये डी पूरा भरा गया यदि इसमें दस आ गए ए पूरा भरा गया यदि इसमें चौदह इलेक्ट्रॉन आ गए आधा पर आ गया यदि इसमें सात इलेक्ट्रॉन है तो आधा भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं और फिर बात आती है कि कौन सा ज्यादा स्थाई हाफ फील्ड या फुल फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं मोर स्टेबल लेस स्टेबल लेकिन आधे भरे हुए भी ज्यादा स्थायी होते हैं अपूरित से का मतलब नए तो आधा भरा हुआ है नहीं पूरा भरा हुआ है वो बीच बिचाले का है उसकी तुलना में आधा भरा हुआ ज्यादा स्थाई होता है आधे से पूरा भरा हुआ ज्यादा स्थाई होते हैं यानी कि हाफ फील्ड एंड फुल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक बहुत अधिक स्थाई होते हैं समझे या नहीं समझे समझ गए होंगे कि हाफ फील्ड एंड फुल एंड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल तो इसका कोई एग्जाम्पल देकर बताएं तब बात बनेगी बात तभी बनेगी जब कोई और एग्जाम्पल दें जैसे जैसे आप सभी जानते हो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बोलो 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 क्रोमियम कितने नंबर पर आता है बोलो बोलो बताओ शाबाश क्रोमियम का परमाणु क्रमांक वेरी गुड क्रोमियम का परमाणु क्रमांक चौबीस होता है सभी यही बोल रही हैं क्योंकि मेरे सामने तो विद्यार्थी है नहीं घरों में जो देख रहे हैं वो यही बोल रहे हैं क्रोमियम 24 है अब देखो चौबीस है इससे पहले कौन सी निष्क्रिय गैस आती है चौबीस से पहले आप सभी जानते हो आर्गन आर्गन का परमाणु क्रमांक बोलो अठारह इसके बाद में फोर एस और थ्री डी में अभी बताया था एन प्लस एल कम होता है पहले इलेक्ट्रॉन फोर एस में जाएंगे बाद में इलेक्ट्रॉन थ्री डी में जाएंगे तो अठारह ऐसा होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और थ्री डी में पांच इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और जैसा होना चाहिए वैसा होता है क्या ना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया क्योंकि डी में आधा भरा हुआ हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पांच डी आधा भरा हुआ हो तो इसमें पांच इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ पर तो चार है ये पास वाले को कहेगा एक उधारा दे दो तो एक उधारा दिया जाएगा इसको और ये भरा गया आधा हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती वो ज्यादा स्थायी होते हैं तो इसमें आगे पांच और इसमें बचा एक तो ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्यों हुआ ऐसा क्योंकि डी आधा भरा हो गया आधा भरने से इसका स्थायित्व इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ गई स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई स्थायित्व बढ़ गया इसलिए क्रोमियम है फोर एस इलेक्ट्रॉन फोर एस वन थर्टी फाइव होता है नोर एस टू थ्रीटी फोर ऐसा होता है इसी प्रकार से कोपर की बात करें कोपर का परमाणु क्रमांक बोलो बताओ शाबाश वेरी गुड ट्वेंटी नाइन क्रोमियम का कोपर का इलेक्ट्रॉन देखें तो कॉपर से पहले भी आर्गन निष्क्रिय गैस फोर एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दो थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नो, no. ऐसा होना चाहिए कि अठारह और दो बीस और उनतीस ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता होता क्या है फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है तो यहां पर क्या रह जाता है एक और यहां पर कितना रह जाता है टेन फोर एस में रह गया एक थ्री डी में आ गए टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फोर एस में एक इलेक्ट्रॉन थ्री डी में टेन इलेक्ट्रॉन अब देखो ये कैसा हो गया आधा भरा गया या पूरा भरा गया अब ये भरा गया पूरा भरा गया जी तो इसे क्या कहेंगे अर्धपूरित कहेंगे या पूरित कहेंगे पूरित कहेंगे पूरा भरा गया हाफ फील्ड कहेंगे फुल फील्ड कहेंगे फुल फिल्ड हो गया तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल फुल ऑर्बिटल मोर स्टेबल यानी कि आधे भरे हुए और ज्यादा भरे हुए आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए हाफ फील्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल तो ये चौथा रूल मानते हैं आप उस सिद्धांत का तो धन्यवाद मैं राजेश लखेरा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर